Recently, I teach in Anushka Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu. I am your EBA subjective teacher. Students in chapter 5, read the year का पार्ट 4 लिखूं. आज हम इसका ऊपर स्टार्ट करेंगे. तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लें, ऊपर करेंगे और इसमें एक वर्ड पार्ट भी दिया हुआ है, मतलब कि एक लाइन के आंसर भी हैं, वो हम अपनी नोटबुक में करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब हम अपना बुक वर्क स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 34. टिक द राइट आंसर. आर्टिफिशियल लेक बिल्ड बिहाइंड डैम्स टू कलेक्ट वाटर. आर्टिफिशियल यानी जो कृत्रिम झीलें होती हैं वो बनाई जाती हैं. क्यों बनाई जाती हैं? डैम्स टू कलेक्ट रिवर, जो डैम का जो पानी है उसको कलेक्ट करने के लिए. तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसमें आएगा रिजर्वेयर्स. नंबर ए ऑप्शन को आप टिक करेंगे, उसको क्या कहते हैं? रिजर्वेयर्स यानी जलाशय कहते हैं. दीज आर ब्यूट एक्रॉस रिवर टू ब्लॉक और कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर. दीज आर ब्यूट ब्लॉक अक्रॉस रिवर्स यानी जो रिवर्स पर जो ब्लॉक ये जो बनाए जाते हैं कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के जो बहाव है उसको रोकने के लिए. तो रिवर्स पर जो बनाए जाते हैं वाटर के बहाव को रोकने के लिए वो क्या बनाए जाते हैं? नंबर बी डैम्स यानी बांध बनाए जाते हैं नदियों के ऊपर उसके बहाव क्षेत्र को रोकने के लिए, कम करने के लिए. तो इसमें नंबर बी ऑप्शन को आप टिक करेंगे. स्वीट ड्राइज अप ड्यू टू, स्वीट मीन्स पसीना, ड्राइज मीन्स सूखता है. तो जो अपना जो पसीना होता है वो किससे सूखता है? तो नंबर सी इवोपरेशन यानी वाष्पीकरण के कारण क्या होता है? पसीना है वो भाप बनकर उड़ जाता है. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर ए देखिए, 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. तो जैसे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया भी था कि हमारी जो वो सरफेस यानी जो सतह है उस पर कितना परसेंट पानी है, तो 71% इस पर क्या है? वाटर. रेन वाटर दैट सीव्स इन टू द अर्थ इज नाउ अस. जो रेन वाटर यानी जो बरसात का जो पानी है जो हमारी अर्थ पर यानी नीचे जो पहुंचता है, जमीन के नीचे जो पहुंचता है उसको क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर. स्नो फीड रिवर आर आल्सो कॉल्ड. स्नो फीड रिवर यानी जो बर्फीली नदी होती है उसको और क्या कहते हैं? पेरेनियल रिवर कहते हैं, यानी बारहमासी नदी भी उसको कहते हैं. नंबर डी कावेरी एंड गोदावरी आर एग्जाम्पल ऑफ रेनफीड रिवर. रेनफीड के रिवर्स के जो एग्जाम्पल हैं कावेरी, गोदावरी और कृष्णा, इनमें से आप कौन से भी लिख सकते हैं. गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग. देखिए इनमें इसमें इनका हमें ए बी सी तीनों का एक एक रीज़न है वो हमें बताना है. तो स्टूडेंट्स हम ये अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करेंगे. गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, इनका हम एक एक रीज़न है वो बताएंगे. सी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. सी वाटर यानी जो समुद्र का पानी जो है वो अनफिट कैसे होता है हमारे पीने के लिए, तो इसका हम एक रीज़न बताएंगे, आंसर लगा के लिखेंगे. सी वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज़ सॉल्टी. क्योंकि जो सी वाटर यानी समुद्र का पानी है वो खारा होता है, इसलिए हम उसको पी नहीं सकते. नंबर बी क्लोथ ड्राई फास्टर व्हेन ड्राइड इन द सन. क्लोथ यानी कपड़े ड्राई यानी सूखते हैं कब? जब जो कपड़े हैं वो ड्राइड यानी सूखते हैं इन द सन, सन की सन में यानी धूप की किरणों से सूखते हैं. तो क्लोथ ड्राई फास्टर, तो कपड़े जो हैं वो फास्टर यानी तेज़ी से सूखते हैं. व्हेन ड्राइड इन द सन, जब हम इनको सन की किरणों के नीचे यानी जब बाहर इनको सुखाते हैं. दिस हैपन ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, सन की गर्मी के कारण यानी उसकी सन की जो धूप है जो गर्मी है उसके कारण हमारे जो क्लोथ्स हैं वो जल्दी सूखते हैं. नेक्स्ट नंबर सी वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इन अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. नेचुरल सोर्सेज यानी जो हमारे जो प्राकृतिक जो स्रोत हैं जो पानी के स्रोत हैं वो अनफिट क्यों हैं? फॉर ड्रिंकिंग यानी हमारे पीने के लिए वो पानी है वो यूजेबल क्यों नहीं है? तो देखिए वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो नेचुरल सोर्सेज में जो पानी है इज़ अनफिट, वो अनफिट है हमारे लिए फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए. बिकॉज क्योंकि दे आर पोल्यूटेड, क्योंकि वो प्रदूषित यानी दूषित हो चुके हैं. क्योंकि हम इनमें क्या करते हैं? बहुत सारा कचरा या फिर जो फैक्ट्रीज हैं उनके थ्रू ये जो पानी है वो पोल्यूटेड हो चुका है, इसलिए वो अनफिट है हमारे पीने के लिए. तो स्टूडेंट्स ये आप अपनी
तीनों ए बी सी इसका जिसमें हमने रीज़न बताया है वो आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू।